नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल, में हूं आपके साथ महेजे। नीमच जिला लगातार एनडीपीएस को लेकर चर्चाओं में रहता है, कभी अक्षय गोयल कांड, तो अभी देखा गया हाल ही में नीमच के एसपी अंकित जायसवाल के सख्त निर्देशों के बाद भी जाट पुलिस रतनगढ़ की विवादों में दिखाई दे रही है। तस्करी के मामले को लेकर एक व्यक्ति की हत्या करने के आरोप परिवारजन लगा रहे राजस्थान के परिवारजन। रतनगढ़ चिकित्सालय यहाँ मौजूद है, जहाँ पर देखेंगे यहाँ परिवारजन है, सरपंच है, ग्रामीण यहाँ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सुबह से एक हंगामा चल रहा है, कल तस्करी की कार्रवाई के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। पुलिस मामले में घटना बता रही है, तो परिवार का कहना है कि उनके साथ मारपीट करी गई, पूरी तरीके से व्यक्ति की हत्या की गई। भैया, क्या मामला है और क्या मांग है आप लोगों की? नहीं, हमें तो सिर्फ ये न्याय चाहिए। जिस व्यक्ति को कल सुबह जाट चौकी की तरफ से मध्य राजस्थान की सीमा की तरफ चर्चा पिपड़े की तरफ से लेकर आए, पूरे जाट वालों ने देखा कि पिकअप लेकर आ रहे थे, उसमें मृतक भैरूलाल बैठा हुआ था। वहाँ के फुटेज देखे हमने सबने। उसके बाद में शाम को करीब 3 बजे के आसपास वही पुलिस वापस उस व्यक्ति को और उस गाड़ी को लेकर मध्य प्रदेश के ग्वालियर की तरफ गई, और वहाँ पर मौके पर कोई बकरियाँ वगैरह चरा थी कोई महिला, उन्होंने कहा कि कोई आए थे, उन्होंने आदमी को सुलाया, उसके ऊपर गाड़ी को पलटी लगाया और चले गए। फिर थोड़ी देर बाद आए और यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया, फिर वो लेकर चले गए। उसे क्या लगता है, पुलिस की साजिश है या क्या घटना? 100% साजिश। क्या चाहते हैं आप लोग और क्या बातचीत हो रही है? सुबह से आप बैठे हैं, कल भी हंगामा हुआ है, क्या चाहते हैं कि आप लोग? हम ये न्याय हम न्याय चाहते हैं मृतक के प्रति, और जिन्होंने भी ये काम किया पुलिस वालों ने, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कानूनी कार्रवाई। क्या नाम क्या आपका? गोपाल धाकड़। सरपंच साहब हैं जी, हम उनके बेटे से बात करना चाहेंगे। भैया, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राम रतन है। राम रतन जी, जिस प्रकार की घटना आई थी, आपके पिता की मौत हुई है, पुलिस कह रही है एक्सीडेंट में वो मरे हैं, आप क्या कहते हैं, किस प्रकार से मौत हुई, क्या मामला लग रहा है आपको? जी सर, मेरे को लगता है उनकी हत्या की गई है, उनको गोली मारकर हत्या की गई है। अभी जो मामला चल रहा था, पीएम पर सहमति बनी, पीएम के लिए अंदर आप गए, बॉडी की हालत देखकर क्या कहते हैं, बॉडी पर किस प्रकार के निशान लगे? बॉडी पर सर गोली लगने के निशान है। क्या लग रहा है, अधिकारियों से बात हुई आपकी? अधिकारियों से बात नहीं हुई, अधिकारी बात करते हैं तो इधर उधर टाल रहे हैं और कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। पुलिस कह रही है कि कल 2 बजे उनका वाहन तस्करी लेकर जा रहा था, उसी दौरान गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। पूरे मामले में भैरूलाल जो आपके पिता है वो मर गए, क्या लगता है 2 बजे की घटना है? कोई सीसीटीवी फुटेज सामने आया, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, सुबह 5:58 का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जो कि पुलिस चौकी में लाते हुए का है। पुलिस कब कितनी बजे घटना बता रही है आपको? ये 2 बजे घटना बता रहे हैं। तो क्या लग रहा, गाड़ी कौन चला के ले गया? फिर गाड़ी पता नहीं कौन चला के ले गया, यहाँ पे हत्या करके उनको आगे दुर्घटना का ये बताया गया है उसमें। क्या चाहते हैं अभी एडिशनल एसपी भी यहाँ पे, उनसे भी पक्की बात हुई, क्या न्याय की उम्मीद है, क्या लग रहा है? कि न्याय की कोई उम्मीद नहीं लग रही यहाँ से, तो ये सब गोल मटोल कर रहे हैं, यहीं का ही मामला घुमा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ मेरे को न्याय मिले, और जिसने ये किया है उसको सकड़ी से खड़ी से। किसने करा है, कौन व्यक्ति है और क्या चाहते हैं, क्या दबाव आ रहा, प्रेशर आ रहा, क्या? जाट चौकी के हैं, पुलिस के, उनको सस्पेंड किया जाए और उनके सब खिलाफ कार्यवाही की जाए। काका, क्या लगता है, यहाँ आए हैं, शव की स्थिति देखी, क्या लग रहा है? गहने गए धंधा देखने गए थे, क्या लग रहा है? आदमी को मार रखा, लकड़ियों से पीट रखा, हाथ पैर तोड़ रखा उनका, और उनको जैसे घिसीटे पर है ना गाड़ी के बांध के, वैसे लग रहा है गोली लग रही है साइड में। एक्सीडेंट तो बता रही पुलिस, तो नहीं एक्सीडेंट नहीं है सर, मैं चाहता हूँ एक्सीडेंट नहीं है, एक्सीडेंट नहीं है। जांच जो इन्होंने बता रखा है ना, जहाँ इन्होंने बताया कि भाई फलानी जगह एक्सीडेंट है, वहाँ कोई सेना नहीं पाया, हम जाके आए हुए। तो गाड़ी तो भंगार हुई होगी, गाड़ी पलटी नहीं तो? गाड़ी का साइड का कुछ भी निशान नहीं आ रहा उसके, जैसे ड्राइवर साइड से गाड़ी पड़ी हुई बता रहे हैं लोग। तो ड्राइवर साइड से गाड़ी पड़ी, तो ड्राइवर तो अंदर रहना चाहिए ना, तो ड्राइवर बाहर पड़ा है, गाड़ी की खिड़की बंद है, डर बाहर उनको लाश को डाल करके गाड़ी को गाड़ी के नीचे कैसे आ गया? तो क्या लग रहा है, न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा? न्याय मिलना चाहिए ना, हम न्याय के लिए तो यहाँ खड़े हैं, रात के 2 बजे का है। अधिकारी से बात हुई, अधिकारी ने क्या बोला? अधिकारी ने बोला भाई आप बॉडी ले जाओ दाह संस्कार को, फिर बाद में आ जाना, बाद में कर लेंगे, अभी कुछ नहीं हो रहा, बाद में क्या होगा? नहीं, गोली लगने का जो निशान है उसकी बात बताइए अधिकारी को, आप एडिशनल एसपी से बात करिए आपने, बताइए उनको क्या वो करेंगे। ये तो डिकम्पोज हो रही है, इस वजह से हो रहा है, डिकम्पोज हो रही है। तो क्या लग रहा है वाकई में बॉडी डिकम्पोज है, क्या हकीकत क्या लग रही है? नहीं, डिकम्पोज नहीं है, गोली का निशान है या फिर किसी चीज का निशान है? 24 घंटा गोली तो इन्होंने रात में निकला ली, बॉडी तो इनके पास पड़ी थी ना सर। कोई बता रहा है आरोप भी लगा रहे थे परिवार वाले, कोई मारपीट भी करी क्या उनके साथ में? मारपीट हुई, मारपीट के निशान दिखा रहे, दे रहे हैं, ये डंडे उगल रहे, इनके लाठियों के डंडे उगल रहे, पीठ पे उगल रहे, साइड में उतरे, मोरों में उतरे। कल करीब 2 बजे की बात है, एक पुलिस को सूचना मिली थी कि एक पिकअप में भर के घोड़ा चुरा मादक पदार्थ ले जाने की थी, तो उसमें पुलिस के द्वारा उसमें
नाकेबंदी की गई थी। जैसे पुलिस को देख के ड्राइवर ने गाड़ी भगाई और एक आड इवन जो ऊबड़ खाबड़ रास्ता था उसमें गाड़ी पलटी हो गई, तो एक व्यक्ति वहाँ से उछल के कूद के भाग गया, दूसरा व्यक्ति उसमें कूदने की कोशिश कर रहा था उसी में वो नीचे दब गया। अब परिजनों का डेड बॉडी को ला के यहाँ पे हम लोगों ने इमरजेंसी रूम में रखवा दिया था, अब उसका पीएम करा रहे, तो परिजनों का आरोप था कि इसमें पुलिस के द्वारा मार के फेंक दिया है, जो भी उसमें गोली लगी है इस टाइप से, तो उसके हमने पीएम कराया है और उनके जितने भी आरोप है उसका आवेदन ले लिया है, उससे जाँच की जाएगी। सर एक सीसीटीवी फुटेज आया जिसमें 5:48 पर चौकी प्रभारी पिकअप के पीछे जाते हैं, परिवारजनों का आरोप है, फुटेज भी दिखाया है, और 2 बजे की घटना बताई क्या उस पहले पर जाँच होगी, क्या रहेगा? जितने भी सीसीटीवी फुटेज है उसकी सबकी जाँच होगी और जो तथ्य आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। एक पीएम के सहमति बनी तब परिवारजनों का कहना है बॉडी पर गोली के निशान भी है। नहीं, ये तो डॉक्टर बता पाएगा, ऐसा हमारे प्रथम दृष्टया ऐसे कुछ नहीं पाया गया है, क्योंकि बॉडी बहुत डिकम्पोज हो चुकी है और डॉक्टर अपनी पीएम रिपोर्ट में क्या देते हैं उसमें पीएम में क्या पाया जाता है उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर एडिशनल एसपी जो है नवल सिंह सिसोदिया भी यहाँ पहुँचे हुए हैं, यहाँ पर पीएम जो है पैनल से 3 डॉक्टरों की टीम है जहाँ पैनल से पीएम कराया जा रहा है। पीएम से पहले परिवारजन ने पीएम की सहमति दी थी, सुबह से परिवारजन और गांव के जो लोग राजस्थान के वो यहाँ जमा हो रहे हैं, काफ़ी देर से अड़े हुए थे नीमच पीएम कराया जाए पैनल से, लेकिन आखिरकार परिवार ने सहमति के बाद एक नया मोड़ और सामने आया, जहाँ पर पहले तो हत्या की बात आ रही थी, अब पता चल रहा है इसमें गोली लगने से गोली के निशान भी बॉडी पर बताए जा रहे हैं। ऐसे में जाट चौकी के जिम्मेदारों पर परिवारजन गंभीर आरोप लगा रहे हैं, अब देखना होगा मामले में। एडिशनल एसपी से लगकर अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जाएगी, मर्ग कायम किया गया, पैनल रिपोर्ट आने के बाद आगे की सभी बिंदुओं पर जांच की जाएगी। साथ ही साथ सीसीटीवी फुटेज को लेकर चौंका देने वाली बात सामने आई, 5:37 पर जो वाहन है जिसके पीछे चौकी प्रभारी का वाहन जाता है, उस वाहन को 2 बजे पुलिस की कार्रवाई में कागजों में उसे कार्रवाई होना दिखाया जाता है। अब सवाल ये खड़े होते हैं कि क्या पूरे मामले में पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा या पूरे मामले की पुलिस जांच में क्या हकीकत निकलकर सामने आती है।